नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से ड्रग्स इंस्पेक्टर को सूचना मिल रही थी कि नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है। इसी क्रम अभियान में जारी रखते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज थाना पथरी क्षेत्र के घिस्सूपुरा में एक मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी की। छापेमारी में जो सच सबके सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। दरअसल बाहर किसी MBBS डॉक्टर गर्ग का बोर्ड और अंदर कोई राजकुमार चटर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को दवाएं दे रहा है। केवल यही नहीं बल्कि उसके पास से 10,000 प्रतिबंधित नशीली दवाएं भी मिली हैं। हाँ, मुझे धनपुरा और घिसुपुरा से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ दवाइयाँ जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, और इसी के चलते मेरे द्वारा आज यहाँ पर सडन इंस्पेक्शन किया गया। और ये जो दुकान है यहाँ पर वहाँ से डॉक्टर गर्ग हुआ है और मेरे द्वारा इनके पास जो दवाइयाँ हैं वो चेक की गई है। उनसे पूछा गया कि आप अगर डॉक्टर हैं तो अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने अपना जो नाम बताया वो राजकुमार मुखर्जी बताया, जबकि बाहर बोर्ड डॉक्टर गर्ग का लगा हुआ है। कांग्रेस द्वारा आज सुभाष घाट हरकी पौड़ी पर किए गए उपवास स्थल का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण भी कराया। बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के उपवास रूपी नाटक की निंदा की गई। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र के विशुद्ध रूप से हत्यारे हैं उनको ये अधिकार किसने दिया कि वो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर आकर उपवास करें। थाना सतपुली जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार मानवीय संवेदनाओं को समझाने वाले अनेकों काम किए जा रहे हैं, जहां पर खाकी हर वो काम कर रही है जिसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे किसी जरूरतमंद की मदद भी हो सके। ऐसे ही एक मामला थाना सतपुली क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर आज एक बुजुर्ग महिला ग्राम कुलहार थाना सतपुली पहुंची और अपनी समस्या की आपबीती थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल को सुनाते हुए बताया कि वो अपने घर पर अकेली रहती है और विधवा महिला है और आजीविका का कोई भी साधन नहीं है, और विगत दिनों हुई भारी बारिश की वजह से मेरा पुश्तैनी घर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। जिस पर थाना अध्यक्ष द्वारा बुजुर्ग महिला की बात को गंभीरता और मानवता से समझने के पश्चात तुरंत ही स्थानीय बाजार से महिला के घर को बारिश से बचाव के लिए तिरपाल भी खरीदा गया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर भाकपा माला द्वारा बिंदुखता क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार किसानों से बातचीत करने और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही अडानी और अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाने का काम कर रही है। जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून, किसानों की आम, देश की गरीबों की आम जनता की बर्बादी के ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती, तब तक जो है ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं, पूरे देश में करोड़ों किसान आंदोलित हैं इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए, लेकिन मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी है और किसानों से जो है वार्ता नहीं कर रही, और अडानी अंबानी और तमाम कॉरपोरेट घरानों की जो है वो चार्जकारिता में लगी है। लालकुआ विधानसभा में जनता का पैसा बर्बाद कैसे हो रहा है ये देखना है तो आपको लालकुआ में सरकारी योजनाओं को देखकर आसानी से पता लग जाएगा। यहां जनता की सुविधा के लिए बीजेपी सरकार में बनाए जा रहे भवनों और सड़कों की हालत देखकर आपको हकीकत का पता चल जाएगा। वहीं विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं से बने कुछ भवन निर्माणाधीन पड़े हुए हैं, जिनका पिछले कई सालों से काम चल रहा है लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका। बंगाली कॉलोनी वासियों की सुविधा के लिए बने सामुदायिक भवन फिलहाल लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। दरअसल बीते 4 साल पहले लगभग 4 लाख की लागत से बने सामुदायिक भवन का 2 बार खुद क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका ने शिलान्यास कर इसे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया था। 4 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल का समय बीत चुका है ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार बने हुए। ये हर जगह बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जैसे हमारे क्षेत्र का सामुदायिक भवन है,
ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं बीरबल की खिचड़ी हो गई है, जो साढ़े चार साल से बन रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। विधायक जी ने दो बार इसका शिलान्यास कर दिया, एक ही भवन का दो बार शिलान्यास तो पहले तो ये सोच के परे है, लेकिन विधायक जी ने दो बार इसका शिलान्यास कर दिया, उसके बाद भी आप इसकी जर्जर स्थिति देख सकते हैं। साढ़े चार साल हो गए लेकिन ये अभी भी पूर्ण रूप से बना नहीं है, तो विधायक जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लास्ट के छः महीने बचे हैं, अगर अब भी वो जनता की मांगों पर ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए बहुत सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है। आप अगर जनता की मांगों को नहीं मानेंगे तो फिर जनता भी आपकी मांगों को नहीं मानेगी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में एक व्यक्ति की मौत बिजली के टूटे हुए तार की चपेट में आने से हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि बिजली का तार टूटने के बाद भी विद्युत विभाग ने तारों में दौड़ रहे करंट को बंद करने की जहमत तक नहीं उठाई, जिस पर इस भारी लापरवाही के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय प्रशासन को दी। आज तहसील सतपुरी के विकास खंड पोखड़ा के ग्राम पोखंड निवासी हरीश कुमार पुत्र श्री रेवलीदास उम्र लगभग 55 वर्ष के ग्राम जंजड़ी के समीप 11 केवी की लाइन की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई है। यह घटना आज सुबह लगभग 7 बजे की है। उनकी बॉडी को हमने पोस्टमार्टम हेतु कोटद्वार भेज दिया। हल्द्वानी के वन भूलपुरा थाने के पुलिसकर्मियों से नशे की हालत में 6 युवकों द्वारा जमकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल गोला पुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट की, जिसमें एक सिपाही की वर्दी भी फट गई और वो घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि चेकिंग के दौरान ऑटो और बाइक में सवार युवकों से जब पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की तो युवकों ने नशे की हालत में गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। सिपाही की तहरीर पर सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज लिया गया है। कल रात को जब हमारे गोला पार्क की पिकेट पे लड़के चेकिंग कर रहे थे, उस समय एक टेम्पो में 6 नवयुवक आए थे और वो शराब पिए हुए थे। जब उनको चेकिंग के लिए उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो उन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी हैं उनके साथ अभद्रता की और हाथापाई हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 147, 147 और 332, 353 IPC में मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जाएगा। मुनि की रेती थाना अंतर्गत SOG की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल SOG की टीम ने ढाडवाला से 23 पेटी शराब सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। मुनि की रेती थाना अंतर्गत लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत SOG की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ढालवाला क्षेत्र से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आज जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हमारे मुनि की रेती थाना क्षेत्र में ढालवाला क्षेत्र से एक शराब तस्कर राकेश सिंह भंडारी, जो 23 पेटी शराब और एक चारपहिया वाहन सहित पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। SOG की टीम, जिसमें विक्रम सिंह बिष्ट इस टीम के लीडर थे, उनके द्वारा ये काफी अच्छी कार्यवाही की गई है। और हम ये बताना चाहेंगे कि लगातार हम लोग ड्रग्स, चाहे चरस हो, चाहे स्मैक हो, चाहे अफीम की खेती का नष्टीकरण हो या शराब की बड़ी खेप, जैसे कि कुछ दिनों पूर्व ही थाना घनसाली में लगभग 160 पेटी शराब हमारे द्वारा रिकवर की गई थी। इसके पूर्व भी लगभग सभी थाना क्षेत्रों में 20 से 25 पेटी की बड़ी बड़ी बरामदगियां जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा लगातार की जा रही हैं। देहरादून के पटेल नगर में उत्तराखंड STF ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। STF ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेहद ही शातिर हैं और अमेरिका में साथियों के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताया जाता था। आरोपी कंप्यूटर और लैपटॉप में पहले वायरस भेजते थे और फिर वायरस को हटाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।